नमस्कार वेलकम टू sister. Om Shanti. वेलकम टू Being लव थैंक यू सो मच पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूटी क्या है या संस्कार क्या है या फैमिली का एक प्रेशर क्या है और कहा कहां हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं या नहीं बनते हैं मैंने सोचा तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है हम कुछ करें तो क्या करें कुछ भी नहीं करेंगे फिर अच्छे अच्छे करो करते जाओ दूसरे क्या कर रहे हैं सॉरी सिस्टर आपने कहा था आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही कर सकते हो अगर मेरी कैपेसिटी कम है और बड़ा काम करने जा रहा हूँ हाँ? तो अच्छा कर्म हो ही नहीं सकता अपनी कैपेसिटी इवेल्युएट करके कर्म करना है उतनी बुद्धि होती विजडम होती तो फिर आपसे मैं क्वेश्चन ही नहीं, नहीं करता हर एक आत्मा के अंदर विस्टम है हर एक आत्मा के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है ये आत्मा की इनेट चीजें हैं ओरिजिनल चीजें हैं हाँ, मेरे पास विजडम और डिसीशन uh, पावर है हर आत्मा के पास तो फिर मैं क्यों घूम रहा हूँ जैसे हर, रहा? हर आत्मा के पास पीस है लव है खुशी है प्योरिटी है पावर है विल पावर है तो फिर हम क्यों घूम रहे हैं लेकिन सपोज आपकी वाइट ड्रेस पे दो लेयर्स ऑफ दूसरे कलर आते हैं लेकिन मेरे वाइट के ऊपर सपोज टेन दूसरे कलर आ जाते हैं तो आपका वाइट मुझे थोड़ा थोड़ा दिखता है या अपना वाइट तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिख रहा तो अगर मुझे ऐसा आपका वाइट थोड़ा दिखता है सो विच आई फील कि यू आर वाइजर देन मी तो मैं अपनी छोटी छोटी बातें लेकर आपके पास आ जाती हूँ कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए और अगर हर बार आपने मुझे डिसीजन देते गए तो फिर मेरा जो वाइट है वो तो कभी इमर्ज ही नहीं होगा अब इसमें आप ये रोल प्ले कर सकते हैं कि आप मुझे हेल्प करें मेरे जो ऊपर के अक्वायर्ड इसको हटाएं

सारा दिन कंप्यूटर पर बैठे हैं पैर हाथ फिर बीमार हो जाते हैं इस तरह फिर हम विजडम डिस्ट्रेशन पावर और अपने ओरिजिनल क्वालिटीज को यूज, यूज नहीं, कर, कर रहे कि कोई बता दे मैं कर लू तू बता दे मैं कर लू अब क्या होगा कोई बता दे तो मैं कर लू फिर मैंने कर लिया करते हुए क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं था तो मेरी हंड्रेड कैपेसिटी उसमें यूज नहीं oh. होगी अब यूज नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा रिजल्ट नहीं आएगा तो आई विल फील वीक व्हेन आई फील वीक मैं ब्लेम दूसरे को करूंगा इवन सटली यू नो यहां तक के हम कहेंगे महात्मा जी ने तो ऐसा कहा था करने के लिए राइट तो निकली नहीं बात मेरी तो ब्लेम भी किसको कर दिया फैमिली hmm. और फ्रेंड्स को तो छोड़ो इवन जो ऐसे प्योर डिवाइन आत्मा डिसीजन मेकिंग पावर यूज नहीं किया ऊपर से एक और बीमारी ले ली हाँ, ब्लेम कर एंड ब्लेम सबसे सिंपल तरीका हो जाएगा अपनी पावर को कम करने का विच मीन अक्वायर्ड फिर जितने और चढ़ जाएंगे मैं नेक्स्ट टाइम डिसीजन लेने के लिए फिर डरूंगी फिर मैं उनके पास जाऊंगी आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए उतनी देर में और एक लेयर चढ़ जाएगा इससे अच्छा जब बच्चा छोटा ही होता है तब से ही बच्चे को डिसीजन लेने की पावर देते जाए इवन इफ द चाइल्ड मेक्स मिस्टेक्स वो एक गलती छोटी छोटी जब स्कूल में है या वो कुछ है वो गलती उतना मैटर नहीं करती अगर हमने उस प्रोसेस में उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को इमर्ज करा दिया हमने उसकी विजडम को इमर्ज करा दिया इवन अगर गलती करके किया मेरी बेटी तो बच्चे से पूछती है ये मैंने अलमारी खोली इसमें से आप कौन सा कपड़ा पहनोगे इज येलो, येलो निकाल लिया हम क्या कर रहे हैं हम बच्चे को इम्पावर कर रहे हैं अब इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि हम उसकी हर बात को स्वीकार करेंगे लेकिन फिर जब वो कोई और बात करेगा तब भी हम उसके साथ रहेंगे टू गाइड नॉट टू से आई टोल्ड यू यू शुड डू दिस मींस यू शुड डू दिस ये तुम्हारे लिए सही है और देखा नहीं किया तो अब क्या हो गया दिस इज सो रिस्की बच्चे अपने कार्मिक अकाउंट और अपने संस्कार अभी ये तो छोटा है तो ये तो छोटी छोटी चीज है विच इज बट वेरी गुड कि आप कौन सा कलर पहनेंगे आप कौन सी ड्रेस शुरू कर दिया ना इससे शुरू करना है लेकिन फिर धीरे धीरे और उनको डिसीजन लेने दें हमें लगता है बच्चा छोटा है हम उसके लिए डिसीजन लेंगे तो हम सही लेंगे इंटेंशन बहुत अच्छी है कि हम चाहते हैं कि बच्चा उसके साथ कुछ गलत ही ना हो हमें उसका हाथ पकड़ के पूरा रास्ता उसके जीवन का चलते रहे लेकिन वो जो बचपन में हमने हाथ नहीं छोड़ा ना तो वो बच्चा चालीस साल का भी हो जाता है पचास साल का भी हो जाता है पेरेंट का भी संस्कार बन जाता है और बच्चे का भी संस्कार बन जाता है लेकिन पेरेंट का तो बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार बन जाता है मैं बताऊंगा इसके लिए क्या सही है टेल फिर वो अपनी वाइफ से भी पूछने लगता है

तो जैसे आपने वो पिछली बार लाइन कही कहना तो मानना ही पड़ेगा वो प्रोग्रामिंग हो गई तो वो करते गए कुछ चीजें राइट हुई कुछ चीजें राइट नहीं भी हुई जब पेरेंट भी बेस्ट एडवाइस देते हैं ना तो रिजल्ट में कुछ चीजें राइट होती है कुछ चीजें हमारे लिए राइट नहीं होती इससे अच्छा अगर हम करते अपनी विजडम को यूज करके तब भी कुछ चीजें राइट होती कुछ चीजें तब भी राइट नहीं होती लेकिन एक बहुत ब्यूटिफुल चीज डिवेलप हो जाती वो थी अपनी विजडम और अपनी डिसीशन पावर तो इसलिए ये हमें आज ध्यान रखना है कि कोई भी आए अपनी बात लेकर आए डिसीशन नहीं देना है अगर हमारा रोल है एडवाइस देने का गाइड करने का तो हमें सिर्फ उनको उनकी कैपेसिटी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ये बहुत बड़ी सेवा कहे किसी आत्मा के लिए हम कर सकते हैं कि आत्मा अगर अपनी कैपेसिटी उस समय नहीं पहचान पा रही लेट से फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कहा कि किसी घर में बेटी आई और बेटी ने कहा मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है इन लॉज ऐसा करते हैं हस्बैंड ऐसा करता है तो अब ये बहुत रिस्की होता है कि जैसे ही वो आती है बेटी आई वो दर्द में है वो दर्द में है उसकी अटैचमेंट के कारण पेरेंट्स भी एक तो उस समय पेन एक्सपीरियंस कर हैं। जाते हैं जैसे ही दोनों पेन में चले गए तो राइट डिसीजन निकलना तो वैसे भी थोड़ा सा इस समय डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि पेन में हमने उधर का जाना नहीं हमने तो बिल्कुल नहीं चेक किया हाँ नहीं लेकिन बेटी कितना मल्टीप्लाई मैग्निफाई करके बोल रही है या उसकी बुद्धि जरूरी नहीं कि वो झूठ बोले उसको लगा भी बहुत होगा ना छोटी सी बात बड़ी लगती है ये भी अंडरलाइन सामने वाला झूठ नहीं बोल रहा होता है वो क्या कर रहा होता है अपना दर्द शेयर कर रहा होता है तो हमें कई बार लगता है कि वो लोग बात को मैग्निफाई कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली डेलीबरेटली बात को मैग्नेफाई नहीं कर रहे होते उसको उसको लग रहा है दर्द लग रहा है सपोज आप एक स्टिक ले और आप यहाँ किसी को मारे वो हंसे उसको कुछ लगे ही नहीं उससे लेकिन अगर आप मेरे को मारे ना मैं जोर से चिल्ला क्योंकि मेरी कैपेसिटी माई कैपेसिटी टू हैंडल पेन कितनी है जो ये बोल रही है अगर हमें उस आत्मा का संस्कार पता है तो हमें ये भी पता है कि छोटी बात में ना इसको दर्द ज्यादा होता है तो उसी समय हमें उस बात को क्या कर देना है पहले तो छोटा करना क्योंकि हमें मालूम है ये छोटी छोटा करना है और उसके दिमाग को भी बोलना है बहुत छोटी सपोज मैं अगर मुझे किसी ने एक स्टिक से मारा ठीक है और मैं जोर से रोई और फिर मैं आपके पास आई पर मैंने बोलना क्या आपको मैंने आपको मैंने ये नहीं कहना कि मुझे एक छोटे से स्टिक से किसी ने मारा मैं ऐसे नहीं बोलूंगी मैं बोलूंगी आपको मालूम है उन्होंने मुझे कितना मारा इतना मारा इतना मारा चार दिन से मुझे इतना दर्द हो रहा है मालूम है आपको मुझे कितना मारा उन्होंने मैं झूठ नहीं बोल रही मैं मैग्निफाई भी नहीं कर रही लेकिन आपका रोल पेरेंट एज गाइडिलिटेटर है कि आपको सामने वाली आत्मा की कैपेसिटी पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं इस टाइम कह रही हूँ ना कि उन्होंने मुझे इतना मारा इतना मारा आपको यह पता होना चाहिए कि सामने वाले ने एक डंडा ही मारा होगा छोटा सा अगर आपने उस टाइम मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया और आपको लगे कि सामने वाले ने पता नहीं मुझे क्या क्या मारा तो फिर आपकी एडवाइस ठीक नहीं हम भी जल्दी रिएक्ट करते हैं ओवर ओवर रिएक्ट रिएक्ट भी कर कर देते हम नहीं हमने पेन कंज्यूम लिया ना बच्चे का अटैचमेंट है ना इज नॉट ओवर रिएक्टिंग एंड जैसे ही आपने पेन कंज्यूम कर लिया तो जो दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द आपको होने लग जाता है so जैसे है। ही आपको वो दर्द होने लग जाता है तो आपकी वोकेबरी पूरी चेंज हो जाती है आप कहेंगे इतना मारा उन्होंने तुमको इतना मारा उधर तुम्हें इतना सहन करना पड़ता तो। है एडवाइस चेंज हो गई ना एडवाइस बिल्कुल चेंज हो गई ना एंड यहाँ तक के आपने फिर मुझे इंडोर्स कर दिया कि हाँ यू आर राइट तुम्हारा पेन दर्द है वो लोग ही अच्छे नहीं है लेकिन क्या करें तुमको वापस तो जाना पड़ेगा ना उस घर में अब अब तुम्हारी वो फैमिली है तो आपने मुझे वापस भेजा 난 मजबूर करके भेजा मजबूर करके नहीं कमजोर करके भेजा क्योंकि आपने मुझे रीअफर्म कर दिया रीअफर्म कर दिया ये गलत लोग हैं ये लोग गलत हैं लेकिन मुझे जाना पड़ेगा तो मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में जाऊंगी उस घर पे वापस बिचारी मैं विक्टिम मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं एंड पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट वो सबकॉन्शियस माइंड में है मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं है लेकिन मुझे वहां रहना तो पड़ेगा अब क्या होगा रिजल्ट इस स्थिति में जब मैं वापस उस घर, तो अब तो अब छोटा सा डंडा भी, भी, छोटी सी बात मोर अगेन कम बैक होम, अगेन आई विल कम बैक आपको पता है क्या हुआ एंड दिस विल गो ऑन बिकमिंग अ वेरी वेरी विशियस साइकिल और इसमें पेरेंट की इंटेंशन अच्छी है इंटेंशन अच्छी है तरीका थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है कि जब हम बच्चे को वापस उस परिस्थिति में भेज रहे हैं चाहे वो उसकी फैमिली में है चाहे उसके करियर में है हमें उसको इम्पावर करके भेजना है डिसम्पावर करके नहीं भेज देना है अब इसको आप चेंज फिर से मुझे देखो कि मैं आपके पास आई और मैंने कहा मुझे उन्होंने इतना मारा मारा मतलब ये किया मेरे साथ ये किया इमोशनली मारा और मैं दौर से दर्द में हूँ पहले आपको मेरी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि मैं ना छोटी बात में ज्यादा पेन होता है मुझे तो इमीजिएटली आपको ये पता होना चाहिए कि बात छोटी थी ये ज्यादा रोती है ये ज्यादा शोर मचाती है तो आप इमिजिएटली पहले तो ये ध्यान रखें कि आप वो पेन को ना कंज्यूम कर लें अगर आपने वो पेन को कंज्यूम कर लिया अब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे यू बी एबल टू डू नथिंग फॉर मी नथिंग बिकॉज यू विल नाउ स्टार्ट स्पीकिंग वॉट आई एम स्पीकिंग

एक जिनके पास हम महात्माओं के पास जाते हैं स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं वो भी ये कर सकते हैं लेकिन हमारे हर फैमिली और ये कर सकते हैं हमारे लिए क्योंकि हम बार बार कितनी बार बाहर के पास जाएंगे कितनी बार जाएंगे क्यों ना हम हम ही सब एक दूसरे के लिए डिटैच होकर उनको राइट right एडवाइस और एम्पावर करने की कोशिश करें बिकॉज देखा था सिस्टर किसी के हमारी फैमिली के क्लोज फैमिली में तो दो अलग अलग गुरु थे एक ने बोला ये ऐसा किया आज के बाद तो उस बेटी को घर में ही नहीं जाने देना आप अपने घर पे ही रख लो तो लोग घर पे दूसरे ने बोला पागल हो ये तो छोटी छोटी बातें बच्चे को बोलो कम, शक्ति दो उसको और कमजोर मत बनाओ उसको वापस भेज दोनों में भी अंतर क्यों है क्योंकि दोनों की पर्सपेक्टिव दोनों की कैपेसिटी दोनों लेकिन, का संस्कार लेकिन अगर आप गुरु हैं या संत हैं या पंडित हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं इतना तो सोचो क्या मुख से क्या बोल रहे हो लेकिन अगर आप पेरेंट है, yeah, right. है तो फिर आप सोचो ना आप क्या बोल रहे हो कम से कम वो तो बाहर वाला है जिस उसको तो सोचना चाहिए कि अगर इसको बोले घर ही नहीं भेजो मतलब हर डिवोर्स करा रहे हो लेकिन अगर बाहर वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए Right. तो घर वालों को कितना ध्यान रखना चाहिए Agreed. अगर घर वाले उतना ध्यान रख ले तो बाहर तो किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा जाना भी क्यों पड़ रहा है किसी और के पास जाना क्यों पड़ रहा है किसी और से पूछने के लिए हमारी बच्ची घर आई है इस दर्द में हमें क्या करना चाहिए जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए सेम सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे कि बच्चा आया एंड इट्स नॉट नेसेसरी अ गर्ल आफ्टर मैरिज इट कुड बी अ चाइल्ड फ्रॉम स्कूल चाइल्ड इन करियर नौकरी पे जाते हैं लोग बोलते डांटता रहता है, करता है। तो माँ बाप मा बा बोलते अच्छा वो इतना बुरा साहब है नहीं छोड़ दो अच्छे को जरूरत ये छोड़ दो तो फिर भी ठीक है तो वो इतना बुरा है लेकिन क्या करे नौकरी है ना जाना तो पड़ेगा ही डिसम्पावर करके उसी सिचुएशन में वापस भेजते हैं डिस इम्पावर करते हैं विक्टिम मोड में सेट कर देते हैं उसको फिर बोलते हैं वापस उधर ही जाना है और पूरा दिन वो काम क्या करेगा अब सेम चीज वो लड़की सेम चीज वो लड़की भी जब बेटी भी घर जाएगी तो वो पूरा दिन क्या करेगी जब उसको विक्टिम मोड में सेट कर दिया कि हाँ आई अंडरस्टैंड तुम्हारा पेन वो है ही ऐसे लेकिन जाना तो उसी घर में पड़ेगा नौकरी तो फिर भी चेंज हो सकती है लेकिन रिश्ते तो हम इतनी जल्दी नहीं चेंज करेंगे ना हम कहेंगे वापस अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे वो आत्मा क्यों दर्द में है क्योंकि उसको दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई देता है उसको अपना पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है मेरे इन लॉज ने ऐसा किया मेरे हस्बैंड ने ये किया ये बोला पेन में है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो वापस वहीं जाके रहे तो हमें कुछ ऐसा करके भेजना पड़ेगा ना कि जाने के बाद उसका वहां रहना इजियर हो जाता है तो हम बात को सुने बहुत ज्यादा लंबा नहीं सुने सुने एंड वी से वी अंडरस्टैंड हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि आप दर्द में हैं ये भी नहीं कहें कि नहीं नहीं तुम तो छोटी-छोटी बातों में इतना में इतना दर्द चले जाते हो। sure ऐसा नहीं नहीं हुआ। उसको करना उस टाइम पे। करनी है ना पूरी। so we have to understand their pain. कई बार कहते तुम तो बार बार ऐसे ही करते हो तुम्हारी उनकी कोई गलती नहीं होगी तुम नहीं किया होगा तो वो भी तो किसी से नहीं बनती सो मच रिजेक्शन एंड डिसम्पावरमेंट

आपका दर्द इस समय जो आप फील कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके लिए सही है because feeling it, आप नहीं कर रहे, आप बात को बढ़ा नहीं रहे आप झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहे तो फिर इसका मतलब लोग बोलते है झूठ अच्छा, भी बोल रहे हैं जो झूठ भी बोल रहे है हाँ। वो किसके थ्रू बोल रहे है अपने उनका वो संस्कार उनका वो पर्सपेक्टिव उसके थ्रू बोल रहे है वन वन अब आप उस बेटी ये को बड़ा मुश्किल हो गया समझना अगर समझ के मतलब आपने कहा ना I know. चश्मे का रंग आई नो चश्मे का रंग यही तो इसीलिए तो रिश्ते फिर इजियर हो जाएंगे ना पहले समझ नहीं आता फिर हम ये भी तो बोल सकते हैं ना मेरे पास भी तो चश्मे का रंग है ना तो मेरे पास भी तो ज्यादा रिएक्शन करना है वो लड़की के अंदर संस्कार है ओवर रिएक्ट करके आके माँ को सुनाने का और फिर माँ के अंदर और ओवर रिएक्ट करने का है तो है तो है ना तो है तो, तो है।, is right. है तो है लेकिन अब तो अब हम स्पिरिचुअलिटी को ले रहे हैं अपने चश्मे को अच्छा साफ कर, तो कर, वो साड़ी कर आपने कही थी। अगर आप कहे कि आपका चश्मा गंदा है और मैं कहूँ तो मैं क्या करूँ मेरा भी चश्मा गंदा है तो हम लड़ते ही रहेंगे हमारे रिश्ते इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट में हैं आज हम मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं हम स्पिरिचुअलिटी को क्यों यूज कर रहे हैं ताकि हम में से एक भी अगर अपने चश्मे को थोड़ा सा साफ करना शुरू कर दे तो रिश्ता बदलना तो शुरू हो जाए अलावा वो साड़ी वाला बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने भी वहीं से खरीदी दो टुगेदर ली साथ सेम थान सेम कपड़ा और उसके बाद मेला 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 मैला एक का ज्यादा मेला होगा गया ले। लेकिन ओरिजिनल तो अंदर व्हाइट है व्हाइट है तो एक का मतलब हमारा काम ये है कि इसके भी लेयर्स साफ करते करते उसकी शक्ति उसकी ओरिजिनैलिटी, उसका लव लव बीइंग एंड उसकी right. right? सोल उसको ही अवेयर करा दे यही पूछ रहा हूँ यहाँ तक मैंने समझा परफेक्ट नहीं ना? तो क्या कर रहे थे अगर हम भी दर्द में जा रहे थे हाँ। तो उसका जो मेला था उसको थोड़ा सा और मेला करके वापस भेज रहे थे उधर कि अब जाओ खुद भी थोड़े थोड़े मेले हो रहे तो एवरी टाइम गोइंग इन पेन तो मेले ही होंगे ना अपनी शक्ति भी क्या होती जाएगी कम होती जाएगी तो और मेला करके बोला जाओ अभी रिश्ते प्यार से निभाना और भेजने के टाइम बोलते है एडजस्ट करना है अभी अच्छी तरह से रहना वहां पर लेकिन भेजा लेकिन क्या करके भेजा कमजोर कमजोर करके भेजा और बोला एडजस्ट करना वहां पर कैसे करेंगे हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यस आई अंडरस्टैंड यू आर इन पेन आओ बैठो Understand. Hmm. लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल राइट है आपका परसपेक्टिव बिल्कुल राइट उसने कहा ऐसा थोड़ी होता है नहीं राइट बिकॉज वो जो कह रहा है सामने वाला वो बिल्कुल राइट वो उसकी फीलिंग है वो उसका परस्पेक्टिव है आदत भी तो हो सकती है तो संस्कार आदत मीन संस्कार ना किच किच करने की किसी को कुछ भी कर लो रोते ही रहती अच्छा तो फिर क्या करेंगे उस पर काटेंगे अगर तो क्या हो जाएगा हाँ। आपको लेयर उतारनी है ना ये इंटेंशन याद रखनी है कि मुझ आत्मा का मुझे दिस yeah, मुझ आत्मा का रोल एज पेरेंट एज फ्रेंड एज पाउस क्या है सामने वाली आत्मा को एम्पावर करना ये हर रिश्ते में हमारा एक दूसरे के साथ रोल ही सिर्फ ये होना चाहिए डिसिप्लिन करना है कंट्रोल करना है ठीक करना है दिस नॉट रोल, रोल कि वो जो लेयर्स चढ़ी हैं, अगर हम किसी को थोड़ा सा भी प्यार और सहयोग दे सकते हैं जिससे थोड़ी सी भी वो लेयर उतरे बात मुझे इतनी अच्छी लग रही है ये क्योंकि मुझे बचपन से एक चीज बहुत पसंद है कि वो लायन का बच्चा बकरी में पला बकरियों के साथ रे दर दर मैं मैं कर रहा तो उसको उसके माँ बाप ने ये नहीं बोला तू तो लाइन का बच्चा है बकरी की तरह बात कर रहा है कमजोर है उसको ये नहीं कहा पानी के पास ले गए पानी के बोल पास दिखाया शकल देख ये लाइन है ये लाइन है और तू अपनी देख तू भी हम जैसा है उसको उसकी शक्ति दिखाई मतलब उसका ही अपनी ही शक्तियों से परिचय कराया करेक्ट और कैसे कराया खुद वो शक्ति और प्यार उसको रेडिएट करके थोड़ा भी क्रिटिसाइज कर देते थोड़ा भी उसी के पेन में पेन में चले जाते तो वो तो भूल ही चुका था कि वो शेर है पेरेंट भी भूल जाता कि मेरे पास पावर है मैं शेर हूं। so role, कि हमें एक की वो लेयर्स को उतारना है तो जब वो बेटी घर आई पहले उसका सुना ध्यान रखा कि हम दर्द में ना जाए अगर हम दर्द में चले गए रोल एज पेरेंट एंड फ्रेंड इज ओवर फिनिश्ड बिकॉज अब आप कोई शक्ति कोई प्यार भी नहीं दे सकते क्योंकि अब आप दर्द दे सकते क्योंकि आप 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 दर्द रहे 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 ना आप रहे, ना काउंसलर पेरेंट भी नहीं रहे क्योंकि पेरेंट का रोल है प्यार देना तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग लेकिन वो सब कुछ करने से पहले अटेंशन मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊँ मैं समझू ये इस आत्मा का संस्कार है इसका इसके इन लॉज हसबेंड के साथ कार्मिक अकाउंट है मुझे क्या हेल्प करना है इसको अभी कि ये अपने प्रेजेंट कर्मा अच्छे अच्छे पावरफुल कर ले पास्ट वाला सेटल हो जाएगा वो सेटल हो जाएगा तो हम उसका उसका पर्सपेक्टिव सुने, सुने, हम दर्द और फिर हमारा रोल काउंसलर का रोल यही होता है सिर्फ उसको उनका पर्सपेक्टिव दिखाएं, कि आप जो कह रहे हो वो राइट है लेकिन उनका इंटेंशन आपको तंग करने का नहीं था hmm. उनका इंटेंशन आपको यू you नो know, ट्रबल करके खींचने का नहीं था वो अपने इस संस्कार के थ्रू आपसे ऐसा बात कर रहे थे वो खुद मदर इन लॉ दर्द में है सपोज किसी वजह से अपनी इनसेक्योरिटी हो सकती है अपनी जेलसी हो सकती है अपना यू नो पोजेसिवनेस फॉर द सन हो सकता है पॉजिशिवनेस फॉर द फैमिली हो सकती है वो उस संस्कार से आपके साथ ऐसे बात कर रही है क्यों ना आप अपनी मदर इन लॉ को इतना प्यार और हीलिंग करो ताकि उसका भी कॉन्वर्सेशन वोकेबुलरी वाइब्रेशन कंप्लीटली डिफरेंट सपोज हस्ब रोज रात को लेट आते हैं कर कर है, 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 है वाइफ को तो वाइफ को दर्द होना है आएंगी सुनाएगी मैं हसबैंड ऐसे करता ऐसे करता ऐसे करता है ना डिटेच पर्स्पेक्टिव सारा दिन में वो क्या क्या फेस करके आता है उसकी अपनी मनोस्थिति क्या है तुम उससे ये एक्सपेक्ट करने के बजाय क्यों ना तुम्हारा रोल हो कि तुम उसको हील करो जब वो शाम को इतनी डिस्टर्ब टर्ब्यूलेंट स्टेट में आता है वो तुम्हें नहीं क्रिटिसाइज कर रहा है एक्चुअली वो अपने ही फ्रस्ट्रेशन सारी बाहर निकाल रहा है शोइंग दिस पर्सन द अदर पर्सनस पर्सपेक्टिव एंड पेन तो आपने अपने बच्चे का जो मोड है ना मोड ऑफ थिंकिंग उसको शिफ्ट किया कि आपको जाना है वापस उनके पर्सपेक्टिव को समझना है और उनके पर्सपेक्टिव के साथ अपने पर्सपेक्टिव को एडजस्ट करना है अब आपको वहाँ रहना है अब यहाँ क्या होगा कि मेरा जो मैं जो लड़की हूँ बहू उसको अपने दर्द से ध्यान हटके पति में चला जाएगा यार ये पता नहीं किस किस प्रॉब्लम से आ रहा होगा पता नहीं आज ऑफिस में क्या क्या हुआ होगा बेटी जब वो दर्द में जाते उसको ये नहीं दिखाई देता कि हस्बैंड भी कोई पेन में है इवन अगर मदर इन लॉ क्रिटिसाइज कर रहे है बार बार ताने मार रहे है आपको बार बार वो इसलिए है क्योंकि वो इनसिक्योर है इट्स नॉट वेरी इजी तो हमें उसके भी परस्पेक्टिव को अंडरस्टैंड करना है मेरा बच्चा जो पहले मेरा कहना मानता था आज उसका मानता है देर इज पेन देर इज पेन देर इज इनसे तो अगर ये बेटी वो समझे कि वो दर्द के थ्रू ताने मार रहे है दर्द के थ्रू मुझे क्रिटिसाइज कर रहे मुझे नहीं क्रिटिसाइज कर रहे दर्द में है इसलिए इस तरह से बोल रहे है थोड़ा सा थोड़ा सा बेटर फील होगा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जैसे समझे लड़की है वो उसका पति कुछ बोल गया रात को दूसरे दिन तीसरे दिन वो पॉइंट चल रहा है उसके मन में उसको दबाने के बजाय वो उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट किया ना आपने आपने कहा नाउ शी शिफ्टेड हर अटेंशन टू हीलिंग Okay. कि मैं ये तो खुद ही इतने दर्द में आ रहे हैं शाम को मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये मुझसे प्यार से बात करे ताकत का है उनके पास मेरा रोल है उनको देने का तो थॉट को क्या करा लेकिन कई बार खुद नहीं कर पाते तो फिर हमारे आसपास फैमिली एंड फ्रेंड्स डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग अपने आप को करो उसको करो करो सिचुएशन सब चीज को बैठ के अंडरस्टैंड करो इनस्टेड ऑफ यस देन योर नेचुरल क्वालिटी ऑफ लव विल फ्लो इनटू द रिलेशनशिप Thank you so much, sister. Om Shanti. Om Shanti. When someone else takes a decision for us, we do not put in our best effort to implement the decision. We then blame others for the failure of the decision. Instead of taking decisions for a child, help the child to develop. Their decision making power. Our role is not to control their life, but to empower them to be able to take charge of their life. When family and friends come to us in pain, we need to first take care that we do not consume their pain. Remain stable and understand their perspective. Do not endorse their victim feeling. Show them their own qualities which they have to face the situation. Also, show them the perspective of the others involved in the conflict. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga meditation center, write to us on awakening at pmtv.in or call us on 99, 99 559 99559-660.